वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे ओएनजीएससी लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे चेक करने वाले। तो ओएनजीएससी स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल एक अच्छा बाउंस बैक किया था ओएनजीएससी स्टॉक ने, 160 लेवल को ब्रेक करके ऊपर एक अच्छी मूवमेंट बनाता हुआ नजर आ चुका था। फिर ओएनजीएससी स्टॉक में आज देख सकते आज सुबह में एक अच्छी मूवमेंट की थी, फिर मंथली जो रजिस्टर होने उसका रजिस्टर लगते यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी ओएनजीएससी स्टॉक में, यानी कि जो मंथली रजिस्टर होने 166 के करीब है तो उस लेवल पे रजिस्टर लिया, आज वही पे रजिस्टर लगे गिरावट देखने को मिली थी। तो कल भी सेम लेवल पे ओपन होकर ऊपर जाता है तो ऊपर यहाँ पे रजिस्टर लगने के चांसेस रहेंगे, जैसे कि आज रजिस्टर लिया तो कल भी यहाँ पे रजिस्टर ले सकता है ओएनजीएससी लिमिटेड सेम लेवल पे। वैसे भी देखा जाए तो आज 163.40 पे यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है, यानी कि तकरीबन देख सकते हो कि 1% अप क्लोजिंग दे चुका है। गैप अप से ऊपर ओपन ओपन होने के बाद एक अच्छी मूवमेंट की थी सुबह में, जैसे रजिस्टर लगा वो मंथली रजिस्टर 1 का तो वैसे गिरावट देखने को मिली थी। तो ओएनजीएससी लिमिटेड स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं जब तक मंथली रजिस्ट्रेशन 1 जो कि 166 लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक 170 to 172 लेवल तक जाने के चांसेस नहीं दिखाई देंगे। वैसे भी देखा जाए तो कल की कैसे मूवमेंट रह सकती है ओएनजीएससी स्टॉक में, तो देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी मूवमेंट की थी कल के दिन में, उसके बाद देख सकते हो नीचे भी आता है ओएनजीएससी स्टॉक तो कौन सी लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। वैसे भी देखा जाए तो ये जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 163 लेवल वो सपोर्टिव लेवल है ओएनजीएससी स्टॉक के लिए, जैसे कि उस लेवल पे कल रजिस्ट्रेशन ले गए थे उसी लेवल पे आज सपोर्ट लेता हुआ नजर आ चुका है ओएनजीएससी लिमिटेड स्टॉक। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगी ओएनजीएससी स्टॉक के लिए कल के दिन के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ओएनजीएससी स्टॉक के लिए।